हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सुमन शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मास ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, हमारे सोसाइटी में रखी गई है दुर्गा माँ की प्रतिमा, जैसे कि हर साल रखी जाती है, और इसका पार्ट वन मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। अब होता है पार्ट टू शुरू, जिसमें कि दुर्गा माँ को पुष्पांजलि दी जाएगी और संध्या आरती और उनकी विदाई, और किस तरीके से उनको हर्ष उल्लास के साथ उनकी दोनों तीनों टाइम आरती करी जाती है। तो देखिए, इसमें दुर्गा माँ के सामने 108 दिए जलाए जाते हैं और 108 ही कमल के पुष्प दुर्गा माँ को अर्पण करे जाते हैं। बहुत ही विधि विधान से ये इनकी पूजा करी जाती है, दोनों तीनों टाइम ढोल नगाड़ों के साथ, और इनको इस तरीके से अच्छे तरीके से पाठ पूजा इनकी करी जाती है। सभी लोग एकत्रित होते हैं और मिलजुल कर डांस करते हुए सब इनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए करते हैं। ये देखिए, ये इनका आ गया है भोग। घर से भोग बना के लाया जाता है। जो भी दुर्गा माँ का जो भोग होता है, ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन दुर्गा माँ का भोग जो इनके हिसाब से बना के लाया जाता है। इसमें दुर्गा माँ के लिए जो भी भोजन बन के आता है, उसमें सारी सब्जियाँ होती हैं, हर तरीके की सब्जियाँ होती हैं। और जब दुर्गा माँ की मैंने पूजा में देखा कि यहाँ पे पूरी सब कच्ची सब्जियाँ भी रखी जाती हैं, पकवान भी बना के रखे जाते हैं, हर तरह का भोजन जो भी दुर्गा माँ को पसंद होता है वो यहाँ पे दुर्गा माँ को अर्पण किया जाता है। और पंडित जी बहुत ही विधि विधान के साथ यहाँ अच्छे से पूजा करते हैं, और रेगुलर दो पंडित यहाँ पे रहते हैं जो कि सबके साथ बहुत अच्छे से पाठ पूजा करते हैं। Thank you.
देखिए फिर पूजा ख़त्म होने के बाद किस तरीके से सबके ऊपर जल के छींटे मारे जाते हैं और सबको दुर्गा माँ का प्रसाद दिया जाता है। पूजा ख़त्म होने के बाद ये देखिए इस तरीके से सबके ऊपर जल का छिड़काव किया जाता है ताकि दुर्गा माँ का आशीर्वाद सब पे बना रहे। और इसके बाद हम लोग पुष्पांजलि जिसमें सबको फूल दिए जाते हैं तीन बार और तीन बार माँ का जयकारा लगाया जाता है। उसके बाद जब पंडित जी मंत्र वगैरह बोल देते हैं तो तीन बार दोबारा से ये जो फूल है वो एकत्रित कर लेते हैं। अंकल जी अंकल पुष्पांजलि सोना इसमें डालना है क्या दोबारा सोना। तो इस तरीके से अब दोबारा सबसे फूल ले जा रहे हैं और फूलों को इकट्ठा करके फिर दोबारा से दुर्गा माँ के चरण में डाल देंगे। इस तरीके से दुर्गा माँ को अर्पण करेंगे। सभी ने अच्छी तरीके से मंत्र जाप किया। पंडित जी ने सबसे मंत्र उच्चारण कराया ताकि बाद में ये सब इस तरीके से यही प्रक्रिया तीन बार चलेगी। तीन बार फूल लेंगे और तीन बार फूलों की आहुति दुर्गा माँ को देंगे। तो इसी तरीके से तीन बार फूल दिए जाते हैं और ये प्रक्रिया बार बार चलती है, तीन बार चलती रहती है। सबको सब फूल ले लेते हैं और उसके बाद पंडित जी के साथ मंत्र उच्चारण करते हैं और बाद में ये जो फूल हैं वो दुर्गा जी को अर्पण कर दिए जाते हैं ताकि दुर्गा माँ हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस तरीके से बाद में प्रसाद मिलता है, सब आरती करने के बाद प्रसाद लेकर जाते हैं। तो देखिए माता के चरणों में किस तरीके से ये देखिए 108 कमल के फूल हैं। जिस तरीके से 108 दीपक जलाए गए हैं वैसे ही कमल भी 108 हैं। फूल बहुत ही सुंदर कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से दुर्गा माँ की आज पूजा समाप्त हुई और पूजा मतलब इसमें मैंने आपको दिखाया संध्या आरती और पुष्पांजलि। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से दुर्गा माँ का विसर्जन हुआ। तो चलिए अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।